मेरा सवाल ये है कि आपकी वजीर आजम साहब से अभी हालिया दिनों में मुलाकात हुई है, जी उस मुलाकात का अहवाल और उसका क्या है? मुलाकात ये हुई थी कि जी वजीर आजम साहब ने बैठते ही उलमा से मशवरा किया कि जो हमारा खानदानी निज़ाम खराब हो रहा है, यूरोप की तरह हो रहा है, तलाकों का रेशो बढ़ रहा है, इसको बचाने के लिए क्या किया जा सकता है। इस पर उन्होंने उलमा से मशवरा मांगा और तजवीज़ भी दी कि यूनिवर्सिटियों में और मुख्तलिफ जगहों पर उलमा को चाहिए वो जाएँ, बेहयाई के खिलाफ बातें बात करें। तो मुख्तलिफ मकातिब फ़िक्र के उलमा थे, सब ने बड़े अच्छे मशवरे दिए, मेरा नंबर आया ही नहीं। तो क्योंकि वो यानी सबने इतनी तवील तवील मशवरे थे कि फिर, वरना मैं एक बात कहता कि भाई सबसे पहले को एजुकेशन सिस्टम को ख़त्म किया जाए। अब हम यूनिवर्सिटी में जाके हया पे बयान करें, वहाँ लड़का लड़की साथ बैठे हुए चिपक के, तो क्या क्या बयान होगा? तो ये तो कुछ बात ना हुई ना। और दूसरी बात ये कि निकाह को प्रोमोट किया जाए। अब मैं वज़ीर आज़म से चार शादियों की बात तो नहीं कर सकता था कि ये एक डोज ज़रा ज़्यादा हो जाती ना। जो मैंने तो एक ही की बात कर लेता कि यार कम से कम गवर्नमेंट जो है जल्दी निकाह को प्रोमोट तो करे, ऐसी मुहिम चलाए जैसे फैमिली प्लानिंग की मुहिम चल रही है ना, वो तो गलत चल रही है। इससे ज्यादा जोर की मुहिम तो निकाह की चलनी चाहिए। तो गवर्नमेंट लेवल पे जब ये काम होगा, निकाह प्रोमोट होगा, को एजुकेशन सिस्टम खत्म होगा, तो फैमिली सिस्टम बहाल होगा।